तो भाई अपने को जाना पड़ता है 3B2 चाय पीने। तो आज हम आए हैं चाय की टपरी पे चाय पीने, जो कि आपको खरर रोड पे देखने को मिल जाएंगी। तो आइए सीधा ओनर जी से बात करते हैं। हेलो अंकल जी, कैसे हो? तो हमें चाय की टपरी दिखी है, बढ़िया सी चाय बना दीजिए एक। तो और सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह जी, आपकी मतलब शॉप पे क्या क्या वैरायटीज रहती है? मेरी शॉप पे चाय, बर्गर, सैंडविच, पास्ता, मस्का बन, मॉकटेल, गेमिंग भी खेलने के लिए मिलेगी आपको, चेस, विंडो, ऊनो, ये आप खेल सकते हो बैठ के। तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के ऊनो खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ वीर बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सिटिंग अरेंजमेंट, सत श्री अकाल, कैसे हो पाजी? क्या रहती है अपनी शॉप की टाइमिंग? सुबह 11:30 से शुरू, सुबह 5:30 बजे। तो आप देख सकते हो भैया, रात को आपको 3B2 जाने की जरूरत नहीं है, खरड़ में अपनी शॉप खुल चुकी है, जो कि रात भर चाय की टपरी खुली रहती है। तो आप यहाँ पे, मैं मेन्यू अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या वेराइटीज मिलती है। तो जैसे आपको बता दिया, सुबह 5 बजे तक शॉप खुली होती है, और आप यहाँ देख सकते हो अंदर सीटिंग का भी है, बाहर भी आप बैठ सकते हो आराम से। तो चाय की टपरी का ये मेन्यू है और काफ़ी वेराइटीज़ है अंकल जी के पास, आप देख सकते हो। और मात्र 15 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है चाय, बहुत ही सस्ते में बहुत ही सही स्वाद आपको मिल जाएगा चाय की टपरी पे। तो भैया, आजकल का यूथ ऐसी ही जगह ढूंढता है जहाँ पे बैठ के आराम से गेम खेल सकें, गाने गा सकें, कोलैब कर सके, है ना। तो चाय की टपरी वो परफेक्ट प्लेस है। आप यहाँ का एम्बियंस देख सकते हो, कुछ ना कुछ कलाकारियाँ हो रखी है वॉल पे। और जब तक अंकल जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं, तो हम आपको बाहर लेके चलते हैं और बताते हैं। और ये हमारी आ गई है गर्मा गर्म चाय। जैसे स्लेट पे आप इस पे लिख भी सकते हो, कुछ ना कुछ कलाकारियाँ कर सकते हो, ये स्लेट है जैसे पुराने तरीके होते हैं। तो साथ में आ गए हैं ये ग्रिल्ड सैंडविच, ये भी काफ़ी टेस्टी हमने खाए हैं और आप भी आके खा सकते हो। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ चाय की टपरी, जो कि है मुंडी खरड़ की। दोस्तों, अगर आप यहां पे आए हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको चाय की टपरी कैसी लगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।